महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में डूबे कई मोहल्ले, गलियों में आया सैलाब, डूबी स्कूटर मोटरसाइकिलें। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में सैलाब का कहर, डूबे मोहल्ले, सड़कें बनी समंदर। पुणे के बाबा भिड़े पुल के पास से पहुंचा नदी का पानी, आसपास के इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पुणे में आई बाढ़ की स्थिति का समीक्षा करने पहुंचे, अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का दिया निर्देश। मुंबई में भारी बारिश के बीच जगह जगह लगा ट्रैफिक जाम, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर दिखा लंबा जाम। मुंबई में बारिश में डूबे अंधेरी का सबवे, प्रशासन ने सबवे को किया बंद। महाराष्ट्र बारिश की वजह से कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, रायगढ़ पालघर ठाणे जिलों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अंजनी महादेव नाले में आई बाढ़, कुछ घरों और एक पावर प्रोजेक्ट को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से रास्तों पर आया सैलाब, स्कूल के लिए निकली छात्राओं पर आई मुसीबत, जान जोखिम में डालकर जाते दिखे लोग। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट किया जारी, मुंबई और मध्य प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी। यूपी उत्तराखंड गुजरात में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, देश के कई राज्यों में भारी बारिश से लेकर मध्यम बारिश की चेतावनी जारी। गुजरात में भारी बारिश के बाद डांग के वॉटरफॉल में उमड़ा सैलाब, भयानक मंजर देखकर सहमे लोग। वडोदरा में भारी बारिश के बाद डूबा रेलवे का अंडरब्रिज, प्रशासन ने रेलवे अंडरब्रिज को बंद किया। वडोदरा में सड़कों पर दिखाई दिया सैलाब, घंटों बारिश के बाद कई इलाके टापू में हुए तब्दील, गांवों में कमर तक भर गया पानी। वडोदरा में बाढ़ में डूबा अस्पताल, नवजातों को बाढ़ से बचाने की कोशिश करते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बारिश बनी मुसीबत, नाला हुआ ओवरफ्लो, सड़क पर दिखाई दिया सैलाब, रास्ते हुए बंद। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट का विवाद, नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, दुकान के बाहर नाम लिखने में मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के समर्थन में है नई याचिका। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्रियों की बैठक में सभी प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। यूपी में बीजेपी विधायकों ने सीएम योगी से की मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायकों ने अधिकारियों की शिकायत की, लगाया अनदेखी का आरोप। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का गुड गवर्नेंस के लिए एडीएम और तहसीलदारों को बड़ा आदेश, तहसील में ही निवास करने का निर्देश, मंडलायुक्त और डीएम 7 दिन में अधिकारियों को देंगे रिपोर्ट। नीति आयोग की बैठक का विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने किया बहिष्कार, 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक से बनाई दूरी, नीति आयोग की बैठक का विपक्ष ने किया है ये बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक में पंजाब और दिल्ली के प्रतिनिधि नहीं होंगे शामिल, तमिलनाडु कर्नाटक तेलंगाना हिमाचल ने बनाई है दूरी। 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होनी है नीति आयोग की बैठक, बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बैठक में शामिल होकर केंद्र सरकार के प्रति दर्ज कराएंगी विरोध। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का पलटवार, बोले नीति आयोग की बैठक में न आकर स्टालिन तमिलनाडु का ही नुकसान करेंगे। विपक्षी दलों पर पीयूष गोयल ने किया पलटवार, कहा नीति आयोग की बैठक से बहिष्कार से रुकेगा राज्यों का विकास, घृणा की राजनीति से होता है वोटर्स का नुकसान। तेलंगाना सीएम पर असम के मुख्यमंत्री ने निशाना साधा, हेमंता बोले जो आप नहीं कर पाए वो बीजेपी कर रही है तो गुस्सा क्यों नहीं, गलेगी कांग्रेस की दाल। आंध्र प्रदेश में हुई हिंसा के विरोध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली में किया प्रदर्शन, का जब से टीडीपी सत्ता में आई है हिंसा बढ़ गई है। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कोयंबटूर और तिरुचि में उद्यमियों को दिया एमपी में निवेश का प्रस्ताव। नीतीश कुमार का आरजेडी की महिला विधायक पर विवादास्पद बयान, बोले महिलाओं कुछ नहीं जानती हो चुप रहो। नीतीश कुमार के बयान पर सियासी घमासान जारी, तेजस्वी यादव बोले महिला पर असभ्य और ओछी टिप्पणियां करना नीतीश कुमार की आदत। बीएसएफ और आरपीएफ ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण का ऐलान किया, बीएसएफ में अग्निवीरों को उम्र में भी मिलेगी छूट। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास, नए कानून में 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान तय। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी सर्वसम्मति से दोबारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य चुनी गई हैं, 2016 में पहली बार आईओसी के सदस्य चुनी गई थी नीता अंबानी। डीआरडीओ की एक और बड़ी कामयाबी, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से टेस्ट की 5000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी ढेरों बधाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता की पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश।
पश्चिम बंगाल में सुकांत मजुमदार के बयान पर सियासत तेज। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बंगाल को तोड़ने की बात कर रही है बीजेपी। ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश ने जताई कड़ी आपत्ति का। ममता बनर्जी ने किया बांग्लादेश के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी एमएलए धरना जारी, मुडा घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तीसरे दिन में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, हमले में घायल हुआ एक जवान शहीद, ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर। पंजाब के पठानकोट में दिखे गए 7 संदिग्ध, पंजाब पुलिस ने जारी किया स्केच। संदिग्धों ने एक महिला से पीने के लिए पानी मांगा था। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 6 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत, बीपीटीपी पार्क तरीन के क्लब के स्टाफ की लापरवाही का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का तांडव, मामूली बात पर एक दिव्यांग लड़के की बेरहमी से पिटाई का आरोप, सामने आया वीडियो। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर में कोर्ट का बड़ा फैसला, एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों पर चलेगा हत्या का केस। दिल्ली के भजनपुरा से सामने आया हत्या का खौफनाक वीडियो, हमलावर ने एक आदमी पर चाकू से किए 17 वार। ईडी ने दिल्ली के एक बड़े सट्टेबाज को किया गिरफ्तार, अमेरिकी महिला से 4 लाख US डॉलर ठगने का है आरोप। मुंबई के वर्ली इलाके में स्पा के अंदर एक शख्स की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में उड़ान के दौरान विमान क्रैश, विमान में 19 लोग थे सवार, 18 लोगों की हुई मौत। इंडिया हाउस में मनेगा ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का जश्न, सामने आया राहुल द्रविड़ बनेंगे गवाह। पेरिस में 27 जुलाई को इंडिया हाउस का भव्य उद्घाटन, रिलायंस फाउंडेशन ने बनाया है इंडिया हाउस। ताइवान से टकराया गेमी तूफान, पूर्वी ताइवान में तूफान ने मचाई तबाही, भारी बारिश से नदियों में उफान, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड।